अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। नहीं चेंज करने वाली। मुझे लग रहा है वैसे चेंज करने वाली चीज़ है। हाँ जी, स्प्रिंग 21 होमवर्क दिया था मैंने कल जब फिनिश गुड्स की एंट्रीज लिखवाई थी तो मैंने उनमें लॉस वाली एंट्री और एनआरबी वाली एंट्री ये बताया था ना कि इसमें मेरी प्रेफरेंस कि आप एबनॉर्मल बने कि नॉर्मल बने। जो गुड्स की खराबी है उसको बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल मैंने कहा था और एनआरबी के लिए क्या कहा था? नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये अल्टरनेटिव हो सकता है। जैसे आप स्प्रिंग 21 का सोल्यूशन देखेंगे ना तो उसमें उसने एनआरबी जो है एनआरबी का लॉस पीएनएल में डाला हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल में डल सकता है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। क्या जी? नहीं, मैंने गुड्स जो ज़ाया हो रही हैं जल रही हैं, क्योंकि गुड्स की हैंडलिंग जो है ना वो मटीरियल की हैंडलिंग से डिफरेंट है। देखें, जब तक एक चीज़ बन रही है, चलें खीर बना रहे हैं घर में, तो अब वो जो खीर बनाने के लिए जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं उनकी हैंडलिंग फिर थोड़ी बहुत केयरलेस हो सकती है, चीनी ज़्यादा नीचे भी गिर गई, जो दूध डाल रहे थे वो भी इधर उधर, लेकिन अब जब खीर बन गई है तो अब वो फाइनल चीज़ बन गई है जिसके लिए सारी मेहनत हो रही थी, उसकी हैंडलिंग और बेहतर हो जाएगी। तो जब प्रोडक्शन वर्कर्स रॉ मटेरियल की हैंडलिंग कर रहे होते हैं, इसमें चूंकि ज़्यादा जल्दी है, काम करना है, इसमें हैंडलिंग नॉर्मली हल्की होती है, इसलिए चीज़ें ख़राब होना, ज़ाया होना नॉर्मल है। लेकिन फिनिश गुड्स बन गई, अब ये संभाल के रखने वाली चीज़ है, तो इनमें अगर कुछ ख़राबी हो रही है तो वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो इसलिए गुड्स की खराबी को मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट उसको एबनॉर्मल ही लेंगे। लेकिन एनआरबी मार्केट में डाउन हो जाना, मार्केट के हालात बदलते रहना, ये एक नॉर्मल चीज़ मानी जाती है। तो एनआरबी राइट डाउन को मैंने बाय डिफॉल्ट नॉर्मल कहा था। स्प्रिंग 21 के मसाइल कर रहा हूँ डिस्कस, और उस स्प्रिंग 21 के मसाइल डिस्कस करने से पहले एक नज़र दोबारा डालते हैं वो जो ऑटम 10 किया था, उसमें रॉ मटीरियल था, रॉ मटीरियल ऑटम 10 जो मैंने कल क्लास में पूरा किया था, ऑटम 10 जो मैंने उसकी वर्किंग कल रजिस्टर पे आपने नोट की होगी उस पे आइए, ऑटम 10 की वर्किंग, ऑटम 10 जो कल क्लास में पूरा किया था उसकी वर्किंग देखें। ओपनिंग बैलेंस गिवन था, फिर यूनिट्स परचेज किए थे वो यहाँ पर आ गए, रेट अपडेट हो गया, फिर यही जो परचेज किए थे इन्हीं में से प्रोडक्शन को इशू कर दिए, प्रोडक्शन को जो इशू किए उसमें से 5000 वापस आए थे। अब वो जो 5000 वापस आए थे उनमें से आधे यानी 2500 कबाड़ियों को बेच दिए थे और 2500 सप्लायर को वापस कर दिए थे। अब ये परचेज रिटर्न थी तो ये वही 85 के ऊपर थी, फिर सप्लायर ने ही वही जो उसको वापस किए थे उसी के बदले अच्छे वाले हमें दे दिए, तो अगेन वो 85 के ऊपर हमने लिखे थे। ये हमारा और सप्लायर के साथ एक रेट तय है, तो इसलिए इन तीनों के ऊपर 85 लग रहा है। लेकिन जो हम स्टोर से प्रोडक्शन को भेज रहे हैं, बस जो पड़े में उठा के भेज रहे हैं, तो जो उस वक्त रेट है वो प्रोडक्शन को इशू करते हुए लग गया था। जैसे पहली दफा जब इशू किए थे तो गालिबन 83 लगा था, फिर प्रोडक्शन से वापस आए वो 83 पे वापस आ गए, फिर उसके बाद जब दोबारा इशू किए तो उस वक्त 86 चल रहा था। ये कल जो ऑटम 10 किया था। अच्छा, जो खराब कबाड़िए को बेचे थे उनकी इन्वेंट्री क्रेडिट की थी कॉस्ट से, जितना कैश मिल रहा था वो डेबिट किया था, और इसको बाय डिफॉल्ट क्योंकि हम नॉर्मल लेते हैं तो फिर FOH कंट्रोल में डेबिट किया था बाकी डिफरेंस। स्प्रिंग 21 पे आते हैं। स्प्रिंग 21 गुड्स का है, ट्रेडिंग बिजनेस, फिनिश गुड्स है, ये गुड्स खरीद के बेचता है। इसकी भी वर्किंग ही से बात शुरू कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन था 7000 के रेट पे। अच्छा, आज टाइम नहीं है कि मैं होमवर्क चेक करवाऊँ आप लोगों से, किया है होमवर्क आपने? अच्छे बच्चे हैं, ये क्या है? अच्छा ठीक, फिर पॉइंट नंबर 2, परचेजेस की थी 7200 पे, इनको इन कर लिया 7200 के ऊपर और रेट अपडेट हो गया। पॉइंट नंबर 2 में कोई एतराज? पॉइंट नंबर 2 नहीं। मैंने पॉइंट 2 तक कहा है अभी। स्प्रिंग 21 कर रहा हूँ डिस्कस, ये पेजेस खामोशी से भी पढ़ सकते हैं, ध्यान मेरी तरफ रखे। स्प्रिंग 21 कर रहा हूँ डिस्कस,
पॉइंट नंबर वन ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये बैलेंस में लिख लिया। पॉइंट नंबर टू परचेजेस की हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट पेएबल क्रेडिट्स, और ये हमारी वर्किंग में 280 इन हो गए और रेट अपडेट हो गया। तीन तारीख को सॉरी पॉइंट नंबर थ्री गुड्स सेल की हैं। अच्छा, अब जो सेल की है ना, तो इसकी अमाउंट नहीं बताई इसमें। आईकैप के सॉल्यूशन में तो सेल वाली एंट्री इग्नोर कर दी क्योंकि उसने अमाउंट ही नहीं बताई थी, लेकिन आई रिकमेंड कि आप एंट्री कर दें अमाउंट के बगैर कर दें। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, अमाउंट ना लिखें, नहीं बताई तो ना सही, एंट्री कर दें। और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और एंट्री क्रेडिट जो उस वक्त रेट अपडेट हो चुका हुआ है। ये पॉइंट नंबर थ्री 180,000 की सेल, इसमें कोई एतराज परेशानी। पॉइंट नंबर थ्री तक ओके। पॉइंट नंबर फोर, यही जो कस्टमर केएल को चीजें बेची थी, पांच इसमें से वापस आ गए। देखें ये ना उसी को मिलता जुलता सवाल, मुझे लगता है उसी को देख के सवाल बनाया हुआ है, तभी सॉल्यूशन में ना आखिरी एंट्री की नरेशन भी चेंज करना भूल गया, किसी ने और नहीं किया होना। सॉल्यूशन में आखिरी एंट्री की नरेशन क्या लिखी हुई, सॉल्यूशन में आखिरी एंट्री की नरेशन क्या लिखी हुई, चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड कहां से आ गए, तो ये वो पिछले कोई कॉपी पेस्ट किया था ना, तो वो बहरहाल ये उसी को कॉपी करके सवाल बनाया हुआ है। तो पॉइंट नंबर फोर, 5,000 यूनिट्स सेल रिटर्न हुए हैं, तो इनकी चूंकि सेल वैल्यू नहीं बताई, लेकिन आप फिर भी सेल रिटर्न की एंट्री डालें, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट और फिनिश गुड्स इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, और जिस पे सेल की थी यानी 71/12 उसी पे इसको रिटर्न ले लेंगे। पॉइंट नंबर फोर में कोई एतराज। अब इस पॉइंट नंबर फाइव को मैं समझाता हूँ। पॉइंट नंबर फाइव में वो जो 5,000 वापस आए हैं, 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न्ड टू एसएल, हम एसएल हैं, एसएल को जो वापस आए थे उनमें से 30% यानी 1500, 5,000 जो हमें वापस आए हैं इनमें से 30% मतलब 1500 ये हमने सप्लायर को भेज दिए। क्यों? क्योंकि वो थे ही खराब, हैड अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एंड वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 15 फरवरी, क्योंकि उनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, हम तो खरीद रहे हैं ना, तो जिसने बनाया था उसी में खराबी थी, जिसने बनाया था उसमें खराबी नहीं थी, मतलब वो प्रोडक्ट था मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, एंड वर रिटर्न, तो हमने इसको सप्लायर को वापस कर दिया, मतलब ये 1500 यूनिट्स हो गए परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न है तो जिस पे परचेज की थी उसी पे रिटर्न होगा, तो इसलिए वो 72 पे ही वापस जाएगा, इसलिए एवरेज रेट अपडेट हो गया। जो रह गए बाकी यानी 3500, ये हो गए डिफेक्टिव में से रिमेनिंग। ये जो स्क्रैप के तौर पर बेचते हैं ना, ये हमारी सेल नहीं होती, इसको हम प्रॉपर सेल नहीं लेते, तो ये जो 3500 यूनिट हैं इन पे सेल कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री नहीं होगी, इस पे वो लॉस वाली एंट्री होगी। तो हमें जितना कैश मिल रहा होगा वो कैश डेबिट, फिनिश गुड से उसकी कॉस्ट जा रही होगी जो भी उस वक्त रेट मौजूद है अपडेटेड, और बाकी डिफरेंस पीएनएल में चला जाए। बेस तो ये भी रहे, ये लेकिन प्रॉपर सेल नहीं है, इस पे सेल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आनी है, ये स्क्रैप के तौर पर, ये हमारे लॉस ही को एडजस्ट कर रहा है, तो इसकी एंट्री में सेल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ये वो जो मैंने आपको चौथी पांचवी एंट्री बताई थी ये वो लॉस वाली एंट्री है। जी 1500 तो परचेज रिटर्न की ना, अच्छा एवरेज रेट आ गया, ठीक है ठीक है ठीक, कोई मसला नहीं, 71/12 कर ले। रेट वैसे 2 डेसिमल तक लेना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको डेसिमल में ना भी लेके जाएं कि बड़ी फिगर है तो कोई गलत नहीं होगा, सही है। जी ऑटम 10 समझ आ गया था, उसमें हमने रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में भेजा था पहले वो 83 पे भेजा था, फिर वहां से वापस आ गया, फिर हमने दोबारा प्रोडक्शन में भेजा था वो 86 पे भेजा था, जो है ना ये बाकी लोग भी सुने जी। परचेज हमारी एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, और किस प्राइस के ऊपर ये ट्रांजेक्शन इन आउट हो रही है, जो ओरिजिनली उस ट्रांजेक्शन में थी, जैसे इसमें हमने ये कितने के खरीदे थे, तो इससे हमने खरीदे 7200 के, वापस किए 7200, इसने फिर वापस किए 7200, किए नहीं किए पता नहीं, लेकिन उसी बंदे को हम खरीद के 7200 ला रहे हैं उसी से, फिर वही परचेज रेट है, तो फिर वो 7200 पे ही है, हमारे एवरेज रेट पे नहीं है वो 7200 पे, क्योंकि उसके साथ ट्रांजेक्शन इसी अमाउंट पे हो रही है। यार सबसे बात कर रहा हूं, सबसे सारे ये जो पेजेस बांटना है ना, ये निस्बतन कम जरूरी है, मेरी बात सुनना ज्यादा जरूरी है, आपकी फिक्र ही सारे पेज के ऊपर होंगे कि पेज कहीं टेढ़ा ना हो, सही मुझ तक पहुंच जाए, कोई कमी ना रह जाए,
किसी को नहीं मिला होगा, पहुंच जाएगा अभी आप तक। परचेज की ट्रांजैक्शन पे जो रेट है, कल वाले सवाल की अगर बात करूं तो वो 85 रुपए था, और यही हमारी कॉस्ट है, यही हमारे टेबल के अंदर आ रहा है। तो हम जिससे परचेज कर रहे हैं अगर उसको वही चीजें वापस कर रहे होंगे तो रिटर्न भी 85 पे ही होगा, और वो इन्हीं चीजों को चूंकि खराब वापस की थी और नई दे रहा है तो वो भी 85 पे ही दे रहा है, रिप्लेसमेंट जिसको कहा था। और यही ट्रांजेक्शन की प्राइस है, यही हमें कॉस्ट पड़ रही है, इसलिए हम अपनी वर्किंग में भी 85 ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट वाली भी 85 ही, क्योंकि उन्हीं चीजों के तो उसने जो 85 रुपए में बेचनी थी वही हमें दोबारा दी। हमने सेल कस्टमर को की थी, सवाल में नहीं बताया, मैं कह रहा हूं 10,000 रुपए की, ऐसे कह रहा हूं। जब की थी तो हमने अपने पास से आउट क्या किया था, ये था सेल इसमें की थी ना, ये हमारी वर्किंग कॉस्ट वाली वर्किंग में रेट चल रहा है। कस्टमर को 10,000 चार्ज, 10,000 मैंने ऐसे पूरी बोला है, कस्टमर को 10,000 रुपए चार्ज किए। अब अगर कस्टमर हमें चीजें वापस करेगा तो हम उसको ठीक है 10,000 रुपए कहेंगे जी 10,000 तुम्हें वापस कर देते हैं, और जिसपे अपने पास रिकॉर्ड की थी उसी पे वापस ले आएंगे। अब ये हमारे पास चीजें बेची थी वापस आ गई स्टोर में, हमारे पास स्टोर में ये जो फिगर चल रही है क्या ये कस्टमर से तय की हुई है? नहीं, ये तो हमारी इंटरनल चीज है। अब अगर कल को कस्टमर को हम इन चीजों के बदले फिर से रिप्लेसमेंट वाली चीजें मजीद बेचते हैं तो वो भी कस्टमर को 10,000 रुपए ही की दे रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हमारा कस्टमर का मामला ये चल रहा है, ये तो हमारी इंटरनल चीज है ना। अब जब हम कस्टमर को दोबारा बेचेंगे तो वो तो पड़ी हुई चीजें उठा के बेच रहे होंगे, तो वो किस रेट पे बेच रहे होंगे जो उस वक्त चल रहा होगा। परचेजेस में इतना ज्यादा मसला क्यों था, ये भी क्यों 85 रुपए, क्योंकि ये ही ट्रांजेक्शन अमाउंट है और यही हमारे रिकॉर्ड में चल रही है, कॉस्ट के रिकॉर्ड में। यहां पर पार्टी के साथ ये चल रहा है, हमारी वर्किंग में हमारी इंटरनल कॉस्ट चल रही है। परचेज के टाइम पे जो पार्टी से ट्रांजेक्शन प्राइस तय हो रही है वही हमारे रिकॉर्ड में भी इंटरनली कॉस्ट चल रही है, और हमारी इन फिगर ने रेट को एडजस्ट करना होता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रेट लेना है। देखिए सप्लायर के साथ ट्रांजेक्शन है वो एक एक्सटर्नल पार्टी है, ये अमाउंट हमारी मर्जी है, ये तो हमारी सप्लायर के साथ जो असल में तय हो रही है ये वही है, इतने पे पैसे दे के यूनिट खरीदे थे वापस कर दिए इतने पैसे वापस लेंगे, उसने कहा नहीं दोबारा यूनिट्स रख लें इतने ही पैसों पे, तो हमारे यही अमाउंट उस सप्लायर से तय हो रही है और हमने कॉस्ट को ही अपने रिकॉर्ड्स में रखना होता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हीं फिगर्स को अपने रिकॉर्ड्स में लाएं। लेकिन सेल्स की दफा में कस्टमर के साथ सेल प्राइसेस ज्यादा सेंसिटिव बात है, ये तो हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स की कॉस्ट चल रही है, कस्टमर को जब चीजें देनी हुआ करेंगी तो उसके साथ जो प्राइस तय की है उसको बेचने के लिए, ये सेंसिटिव मैटर कस्टमर और हमारा आपस में होगा, ये हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, चीजें उठा के देंगे जो रेट चल रहा था उस पे आउट कर दे। हाँ, वापस आना चूंकि पिछली ट्रांजेक्शन का रिवर्सल होता है इसलिए सेम रेट पे हम करते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद दोबारा चीजें बेच दी, उठा के देखें उसका क्या रेट चल रहा था, क्योंकि ये हमारे इंटरनल कॉस्ट की वर्किंग है, कस्टमर के साथ ये चल रहा है। परचेजिंग में क्यों होनी ऐसा, क्योंकि यही सप्लायर के साथ भी रेट तय हो रहे हैं और इन्हीं को हमने अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स में भी इनकॉर्पोरेट करना है। इतना ही था मेरे पास सौदा बेचने का। तो पॉइंट नंबर 5 में जो कस्टमर से चीजें वापस आई थी, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 6 में हमने उसको फिर दे दी, तो सेल प्राइस बेशक हम उससे वही ले रहे होंगे लेकिन अब की बार जब उनको सेल कर रहे होंगे तो वो हम अपने रिकॉर्ड में से इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, और ये चूंकि ये नॉर्मल सेल है तो डेट एंड डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन अमाउंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट है। जी सेल रिटर्न परचेज रिटर्न जी हो गया, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल रिटर्न हो, चूंकि वो पहले हुई ट्रांजेक्शन की रिवर्सल हो रही होती है तो जिस पे वो ओरिजिनली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई थी रिटर्न उसी पे रिकॉर्ड होती है, चाहे वो परचेज रिटर्न हो चाहे वो सेल रिटर्न। जी क्या मेरा ना दो सवाल करने आज, क्या डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड एज स्क्रैप,
कस्टमर से जो चीजें वापस आ गई थी बस अब वो पड़ी नहीं है स्टोर के अंदर। देखें हम जब उन चीजों को जब हम वेटेड एवरेज रेट कर रहे हैं ना, सवाल ये पूछा है कि जो खराब चीजें वापस आई थी उनको हमने कस्टमर से जब वापस लिया तो वो स्टोर में हमने इन किया 7112 पे, फिर उसके बाद जब उनको आउट किया बेचने के लिए तो 7111 पे आउट किया, ये कह रहे हैं आप ना। हमने जब उनको स्टोर में शामिल कर लिया और वेटेड एवरेज का काम यही है कि वो सबको मिला के एवरेज रेट कर देता है, तो उसने उनका वापस आना एवरेज रेट कर दिया, फिर वहीं स्टोर से निकाल के हमने स्क्रैप में भेज दी तो उसी एवरेज रेट पे चले गए। ये एवरेज रेट मेथड ये काम कर रहा है कि सबका रेट बराबर कर देता है। तो चीजें स्टोर में आ गई, अब यहां से चौटा के चलेगी तो जो एवरेज रेट है उसके आउट हो जाएंगे। अच्छा एक ना मुझसे वो ऑनलाइन स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, मैंने आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना ये जो पीरियोडिक में फार्मूला बताया था, ओपनिंग की अमाउंट थी प्लस नेट परचेजेस थी, ये जो नेट परचेजेस थी ना, ये नेट परचेजेस मतलब परचेजेस लेस रिटर्न्स हैं बस, इनमें से ड्राइंग्स और लॉसेस ये लेस नहीं है। जिस महीने में ओपनिंग पहले से मौजूद है और परचेजेस इन हो रही हैं और इन्हीं में से चूंकि वापस हो रही हैं तो वो इसी को कैंसिल कर रही हैं, ये हैं जो स्टोर में चीजें पहुंची हैं। अब इनमें से सेल भी होनी है, इनमें से ओनर ने भी लेके जानी है, इनमें से लॉस भी होना है, इनमें से चोरी भी होनी है, तो नेट परचेजेस से मुराद ये है। किसी मुझे बच्चे ने कहा था कि इंट्रो में हमने पढ़ा था कि परचेजेस नेट परचेजेस में एवरेज रेट निकालने के लिए ड्राइंग्स भी लेस होंगी, नहीं ऐसे नहीं है, ये नेट परचेजेस ये नहीं होगा लेस, ओपनिंग की अमाउंट प्लस नेट परचेजेस। देखें लॉजिक क्या है कि ये चीजें हैं जो अपना रेट लेके स्टोर में आई, इन्हीं में से तो ये आउट होने, तो हम देख रहे हैं कि जो चीजें इन हुई हैं उनका हमें रेट क्या पड़ रहा है, तो नेट परचेजेस से यही मुराद है, वो माइनस ड्राइंग माइनस लॉस नहीं है। अच्छा जी स्प्रिंग 21 ठीक है, स्प्रिंग 21 में जो बताने वाली बात थी वो मैंने बता दी। 0.7 ये यूनिट सेल हुए हैं, इन पे सेल वाली एंट्री हो जाएगी और आखिर में वही सेम कुछ खराब है और कुछ पे एनआरवी एडजस्टमेंट है। और बताएं कुछ पूछना है तो? नहीं चले, ऑटम 21 का आप तक सवाल पहुंचा है, इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं आया लेकिन मैं इस पे कॉन्फिडेंटली सोल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी जब आएगा सोल्यूशन तो फिर इस पे दोबारा कमेंट कर लेंगे। ऑनलाइन वालों के लिए आपके जो मैंने सेक्शन में ऊपर पास पेपर रखे हुए तो उसमें ऑटम 21 है, आप लोगों को अभी दी है कॉपी, ये ऑटम 21 अटेम्प्ट जो लेटेस्ट थी ये उसमें टेस्ट हुआ सवाल है, पढ़ लीजिए मैं बोर्ड पे करता हूँ। आजी पेज पहुंच गया सब तक, ऑटम 21 का सवाल बांटा है अभी, ये ऑटम 21 अटेम्प्ट है, इस पे लिखना चाहे तो लिख ले, ये ऑटम 21 अटेम्प्ट है। इसका सलूशन अभी तक नहीं आया लेकिन कुछ सवालों को मैं बगैर सलूशन आए भी हार्ड डालने की मत कर लेता होता हूं, है जी अगर आपको लग रहा है ए पढ़ना तो पढ़ लें, वरना लग रहा है ए का आंसर क्या होना चाहिए, वो पूछ रहे हैं कि किन हालात में एनआरवी कम होगी, क्या नहीं पूछा किन हालात में कॉस्ट एनआरवी से ज्यादा होगी, एग्जांपल्स पूछिए, डैमेज हो जाए, नहीं लॉस से मुराद एनआरवी लॉस आ जाए, नहीं फिर तो एनआरवी नहीं, वो तो चीजें गई ना, ऑब्सोलीट हो जाए, ऑब्सोलीट कहते हैं बहुत पुरानी हो गई चीज, ऑब्सोलीट हो जाए किसी वजह से डैमेज हो जाए, मार्केट के हालात डाउन हो जाए, कोई कंपेटिटर आ जाए मार्केट में ट्रेंड बदल जाए, तो ये कुछ मिसालें हैं। ठीक है बी पढ़ लें, पार्ट बी पढ़ लें, मैं करता हूँ बोर्ड पे।
हाँ जी चार प्रोडक्ट्स हैं और इनमें से ए और बी कुछ डिफेक्टिव भी हैं, कुछ नॉर्मल हैं, सी और डी ठीक हैं सारे, इनमें कोई डिफेक्टिव नहीं है। अगर इस सवाल में सिर्फ इतना कहा होता ना कि ये इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल दें बस, तो फिर तो ये जैसे पहले सवाल प्रैक्टिस किए ये वैसा ही हो जाता कि चार प्रोडक्ट्स हैं, हर एक की अलग अलग कॉस्ट एन आर वी निकालते। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वन, इसके बारे में कोई समझाए मुझे कि क्या करना है, क्या मतलब है इस रिक्वायरमेंट का। एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री का मतलब है कि पहले कुछ बुक्स में रिकॉर्डेड है तो इस सवाल में बेशक कहा नहीं है परपेचुअल है, लेकिन परपेचुअल है और रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि वो जो आखिर में हम एन आर वी राइट डाउन की एडजस्टमेंट करते हैं ना, वो एडजस्टमेंट मांग रहा है बस। रिक्वायरमेंट वन में उसने कहा है कि अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है तो बताएं, इसका मतलब बुक्स में पहले इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा है, कोई एडजस्टमेंट करनी है तो बताएं ताकि सही वैल्यू तक पहुंच सके। तो पहले बुक्स में वैल्यू का बैलेंस आ रहा है तभी तो वो एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने बेशक कैलकुलेशन करनी जरूर है, लेकिन इसमें हमने एनआरवी राइट डाउन की अमाउंट देखनी है किसी में है कि नहीं। ये हो गया पॉइंट वन का आंसर। और पॉइंट टू नॉर्मल वाला सवाल है, पॉइंट टू में क्या कहा है वैल्यू। तो पॉइंट टू को अगर हम पहले टारगेट करें कि चारों प्रोडक्ट्स हैं, इन चारों की कॉस्ट एनआरवी निकाल के देखना है, किसी की कॉस्ट बेहतर है, किसी की एनआरवी कम है, तो उनको फिर हम लोग वैल्यू, यानी जो पहले भी प्रैक्टिस की है ना, वो इस रिक्वायरमेंट टू का आंसर है। रिक्वायरमेंट वन का आंसर वो आखिरी वाली एंट्री है बस। तो रिक्वायरमेंट टू सॉल्व करेंगे तो उसमें वन भी हो जाएगा, यानी वन और टू दोनों इकट्ठे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक एक प्रोडक्ट लेके कर लेते हैं जी। परपेचुअल क्यों कहा है? एक तो ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग में होता ही परपेचुअल है, दूसरा ये कि इसमें आपको वो कह रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री करें। तो मैंने आपको आखिरी वाली जो एनआरवी की एडजस्टमेंट बताई थी वो यही बताई थी ना कि इन्वेंट्री अकाउंट बना हुआ है, उसका सीडी बैलेंस ऑलरेडी कॉस्ट आ रही है, तो अगर हम उसको एनआरवी पे ले जाना चाहते हैं तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट वन की रिक्वायरमेंट उसने यही मांगी हुई, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स। क्या बात, एंट्री की अमाउंट भी तो है ना, तो उस अमाउंट निकालने के 10 नंबर है। और इसके अलावा एरर भी है, एरर भी है इसके अलावा, वो प्रोडक्ट सी से रिलेटेड एरर है तो उस एरर की भी एंट्री करनी है, यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज मांगी है उसने। चले करते हैं जी। प्रोडक्ट ए, एक एक करके प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा हूं ताकि इससे फिर रिक्वायरमेंट के टू का भी आंसर निकल आए और एक बार सारी वर्किंग सामने हो चुकी होगी ना तो फिर रिक्वायरमेंट वन की एंट्रीज भी बना लेंगे। और मैंने आपको कहा था कि अगर जनरल एंट्रीज पूछी हो तो तमीज़ ये है कि सॉल्यूशन जनरल एंट्रीज से शुरू हो, बाकी फिर आगे वर्किंग्स चले। तो जनरल एंट्रीज चार पांच ही होंगी, उसकी जगह रख लें, ये वर्किंग्स में आ गए हम। प्रोडक्ट ए,
प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स हैं नॉर्मल वाले कितने हैं? अच्छा चले, टोटल कितने हैं? डैमेज्ड वाले कितने हैं? 2400। तो फिर नॉर्मल कितने हुए? 1200। चूंकि नॉर्मल और डैमेज आ गए तो फिर हमें दोनों की कॉस्ट और एनर्जी अलग रखनी पड़ेगी। कॉस्ट दी हुई है 800 रुपए पर यूनिट, एवरेज मेथड है, कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है, तो जो इनकी कॉस्ट है वो एवरेज रेट आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, एनआरवी पे आते हैं। अच्छा ये ना ग्रुप में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, बाकी भी सुनने काम का सवाल है कि ये जो एनआरवी कॉस्ट से कम होना है, एनआरवी कम होना, ये हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा? एनआरवी कम ही हुआ करेगी? नहीं भाई, हम प्रॉफिट पे बिजनेस करने बैठे, ज्यादा हो सकती नहीं, ज्यादा ही हुआ करेगी, हम प्रॉफिट कमाने के लिए तो बैठे, ये क्यों होगा कि हम गुड्स लॉस पे बेच रहे होंगे? तो नॉर्मली कॉस्ट ही कम होती है, लेकिन या तो कभी कोई खराबी आ गई या मार्केट में कुछ चीजें खराब हो गई, हालात डाउन हो गए, फिर इस टेंशन की जरूरत पड़ती है कि कहीं एनआरवी तो लो नहीं है, वरना नॉर्मल हालात में नॉर्मल चीजों की एनआरवी ज्यादा ही हुआ करती है। तो सवाल यह था कि क्या हमें ये एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन सिर्फ खराब चीजों का करना चाहिए या नॉर्मल चीजों का भी करना चाहिए? तो अगर नॉर्मल चीजों में कहीं मार्केट के खराब हालात नजर नहीं आ रहे तो फिर बेशक नॉर्मल का ना करें। जैसे प्रोडक्ट ए है, इस प्रोडक्ट ए के बारे में कहीं पर कोई ऐसी खराबी है कि कंपेटिटर आ गए हैं और मार्केट में लूट मच गई है और ये सब हो? नहीं है ना। और वैसे हमें देख के ही नजर आ रहा है कि जो ए है वो हम अच्छा खासा महंगा बेचते हैं, ए 1100 1150 रुपए का बेचते हैं। तो नॉर्मल हालात में नॉर्मल चीजों की एनआरवी ज्यादा ही हुआ करती है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस बना लें कि हम नॉर्मल के लिए भी कॉस्ट एनआरवी का कंपैरिजन किया करें। क्योंकि अगर ये चुनने बैठ गए ना कि किन में हमने सिर्फ डिफेक्टिव की एनआरवी चेक करनी है, किन में नॉर्मल की नहीं करनी है, तो फिर चीजें स्किप होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने सबकी एनआरवी कॉस्ट करनी है कंपेयर। नॉर्मल वालों की मैं निकालता हूं पहले एनआरवी। नॉर्मल यूनिट की बात कर रहे हैं पहले। सेल प्राइस कितनी? अच्छा ये जो सेल प्राइस दी है ना, रिटेल प्राइस होती है जो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रही होती है, इसमें 10% सेल्स टैक्स शामिल है, तो रहने दे शामिल। ये जो सेल्स टैक्स होता है ना, ये तो गवर्नमेंट के नाम पे कलेक्ट किया होता है कस्टमर से, हमारी सेल नहीं होती, ये तो कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को पैसे दे देने होते हैं। अच्छा ये सेल्स टैक्स बेचने वाले की बात हो रही है? इससे पहले जो हमने कहीं सवालों में कहीं सेल्स टैक्स वगैरह देखा होगा ना, वो खरीदते हुए की बात हो रही होती थी, वहां पर फिर देखा था कि नॉन रिफंडेबल है तो ऐड करना है, नॉन रिफंडेबल ऐड करना है, रिफंडेबल नहीं करना है। ये खरीदते हुए की बातें थी, ये बेचने की प्राइस दी हुई है। तो बेचने वाला जब कस्टमर से सेल्स टैक्स ले रहा होता है तो क्यों ले रहा होता है? वो गवर्नमेंट के कहने पर ले रहा होता है, गवर्नमेंट को जमा कराना। तो सेल वाला, सेल करने वाला सेल्स टैक्स को अपनी सेल नहीं मान रहा होता, ये तो गवर्नमेंट के कहने पे सेल्स टैक्स ले रहा होगा, है ना। जो पहले बात हुई थी वो तो खरीदते हुए हमारी ट्रांजेक्शन होती थी, ये बेचने वाले की बात हो रही है कि हम जब बेचेंगे तो इसमें 10% सेल्स टैक्स शामिल है। तो जो 1144 दिया हुआ है इसमें सेल्स टैक्स 10% इंक्लूडेड है, तो ये 110 है। कितनी? और कॉस्ट टू सेल है कोई? अच्छा आप देखें, यहाँ पर दोबारा वर्ड मैंने पहले भी दफा बताया था, ये वेरिएबल का वर्ड उन्होंने ये बताने के लिए लिखा है कि ये वाकई वही वाली कॉस्ट टू सेल है कि जो बेचेंगे तो होगी, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगी। ये मैंने एक सवाल स्प्रिंग 10 करवाते हुए बात समझाई थी, तो इसीलिए उन्होंने वेरिएबल लिख के ये कहा है, ना भी लिखते तो कॉस्ट टू सेल वही है जो बेचेंगे तो होगी, फिर वो नहीं लेते। अगर कॉस्ट टू सेल में फिक्स दी होगी तो वो नहीं यूज करते। कितनी है? 960। ये नॉर्मल यूनिट्स की एनआरवी हो गई, और हाँ हमें पता चल रहा है कि ये कॉस्ट ही ठीक है, ये हो गए नॉर्मल। अब आते हैं डैमेज या डिफेक्टिव पे। डि
डिफेक्टिव यूनिट्स को बेचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। हाँ जी, कैसे? बुलेट पॉइंट नंबर टू, दी डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। यानी हम बगैर किसी सेलिंग कॉस्ट खर्च किए, बगैर किसी रिपेयर करवाए, इसको अभी के अभी अगर हम बेचना चाहें इसी खराब हालत में तो कितने का बेच सकते हैं? करंट रिटेल प्राइस का 60%। ये बुलेट पॉइंट टू की अंग्रेजी पढ़ के ये बात ना समझ आई हो किसी को, तो मैं एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन कर देता हूँ। हाँ जी, 1040 का 60%। सेकंड बुलेट पॉइंट पढ़ के पता चल रहा है ये? हैं जी। तो डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी निकालते हुए अगर एक से ज्यादा हल हो तो हमने किसको एनआरवी लेना होता है? हायर को। तो हम पहले दोनों निकाल के देख तो लें। एक कह लेते हैं विदाउट रिपेयर, हाँ जी, सेल प्राइस 1040 का 60%, कितना? 6-2-4। और सेलिंग कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं होनी इस पे, क्योंकि विदाउट इनकरिंग एनी रिपेयर कॉस्ट एनी सेलिंग कॉस्ट। जी कहाँ पर? हाँ, विदाउट इनकरिंग हम अभी किसी कबाड़िये को बेच सकते हैं और उसको कहेंगे कि चीज़ें यहाँ से उठा के ले जाओ। हमें इनको कबाड़िये को बेचने के लिए ना ही किसी एजेंट को कमीशन देनी पड़ेगी, ना कस्टमर तक पहुँचाने की ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग कॉस्ट। तो हमें इनको बेचने के लिए कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं करनी पड़ेगी। दी डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। ना हमें इसमें कोई रिवर्क कॉस्ट यानी रिपेयर कॉस्ट करनी पड़ेगी और ना ही कोई सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट टू सेल नहीं होगी, इसलिए यही एनआरवी होगी। तो फिर हम 80 माइनस कर लेते। हाँ जी जी, स्प्रिंग 10 में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था यार। जब स्प्रिंग 10 रजिस्टर में नोट किया होगा ना, वो जहां अच्छा, जो मैं बातें आपको समझा रहा होता हूँ वो अपने पास टिप्स में लिखा करें। ये बात, ये जो बातें अगर यहाँ समझ आ गई होती हैं तो दोबारा पढ़ते हुए भी कैसे आएंगे। मैंने तब उस स्प्रिंग 10 करवाते हुए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट टोटल दी हुई थी, उनको पर यूनिट बना के कॉस्ट टू सेल निकाली थी, और ये कहा था कि इनको वेरिएबल इसलिए कहा हुआ है कि ये हैं ही वो खर्चे जो बेचे थे, यूनिट्स तो हुए थे, ना बेचते तो ना होते, लेकिन अगर फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए होते तो उनको हम पर यूनिट ना बनाते, क्योंकि वो तो उस डिपार्टमेंट के लोगों की परमानेंट तनख्वाहें जानी जानी थी। सेल करें तो भी जाएंगे, नहीं करें तो भी जाएंगे। ये मैंने तो फिक्स्ड और वेरिएबल का फर्क बताया। हमें एनआरवी निकालते हुए सेल प्राइस में से कौन से खर्चे माइनस करने हैं? एक्सपेक्टेड। और कॉन्सेप्ट क्या है कि इतने का बेचने के लिए ये खर्च करेंगे तो ये बिकेगा, वो खर्चे इसमें से माइनस होने हैं, और नहीं बिके, नहीं बेचेंगे तो वो खर्चे भी नहीं होंगे। तो ये पहचानने के लिए सिर्फ वर्ड वेरिएबल साथ लगा दिया उसने। और अगर हम रिपेयर करा के बेचे तो कितने का बेचेंगे? देखें, जब उसने कह दिया ना कॉस्ट ऑफ रीवर्क कॉस्ट, रीवर्क का मतलब है फिर से उस पर काम कर लेंगे, तो जब फिर से उस पर काम कर लेंगे तो फिर वो सही हो जाएगा ना। तो जब सही हो जाएगा तो कितने का बिक जाएगा? फिर 1040 का बिक जाएगा। तो इसकी एनआरवी निकालते हुए दस चालीस अस्सी, क्योंकि नॉर्मल तो बनेगा तो बिकेगा भी, लेकिन रीवर्क भी आएगी कितनी? 200। इसको हम एनआरवी लेंगे। तो प्रोडक्ट ए के नॉर्मल यूनिट्स की कॉस्ट लोअर है और डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी लोअर है। अब यहीं से रिक्वायरमेंट टू का आंसर कैसे बनेगा? 12600 × 800, 2400 × 700।
ये हो गया रिक्वायरमेंट टू का आंसर, यानी बना लेंगे, अभी तो मैं वर्किंग फैला रहा हूँ ना। रिक्वायरमेंट टू का आंसर किससे बनेगा? रिक्वायरमेंट वन की एंट्री कैसे बनेगी? एनआरबी राइट डाउन किस पे करना है? इन 2400 यूनिट्स की 100 रुपए की एंट्री। हमारी बुक्स में इन्वेंट्री अकाउंट का सीडी बैलेंस अभी कॉस्ट आ रहा है ना, तो हमने उसको एनआरबी पे लाना है। तो कितने यूनिट्स को एनआरबी पे लाना है? 2400 को। कितने से इसको डाउन करना है? 100 रुपए से। 800 कॉस्ट है, एनआरबी 700 है। तो हमें एंट्री के लिए भी यहीं से चीजें मिल जाएंगी, वो फिर मैं एंट्री बनाऊंगा तो ये दोबारा बता दूंगा। ये अभी हम लोग सोल्यूशन जो रिक्वायरमेंट थी, एंट्री थी, तो मैंने कहा था एंट्री से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये अब मैं प्रोडक्ट वाइज वर्किंग फैला रहा हूँ, इन्हीं से फिगर्स उठा के एंट्रीज भी बना लेंगे, इन्हीं से फिगर्स उठा के रिक्वायरमेंट टू भी बना लेंगे। अच्छा चलिए, ये जितना इस वक्त सामने किया ये समझ आ गया, बस वो एंट्री बनाऊंगा तो फिर समझा दूंगा। प्रोडक्ट ए, कोई मुश्किल परेशानी इसको लिख लें, फिर मैं प्रोडक्ट बी बनाता हूँ। हाँ जी, प्रोडक्ट ए बता दो जी। ये 10% वाली बात ना समझ आई हो किसी को। देखें, हम सेलर हैं, हम जब कोई चीज बेच रहे हैं ना और कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, तुम कस्टमर से टैक्स क्यों ले रहे हैं? गवर्नमेंट को देना है, तो वो जो कस्टमर से गवर्नमेंट को देने वाले पैसे हैं, क्या वो हमारी सेल है? नहीं। तो इसमें 10 इंक्लूडेड है, यानी हमने अगर कस्टमर को चीज 1040 की बेचनी थी तो गवर्नमेंट ने कहा होगा 10% हमारे नाम पे भी ले लो भाई इससे। तो इस तरह से हमने कस्टमर को 1144 की अमाउंट चार्ज की होगी। जितने पैसे हम गवर्नमेंट कस्टमर से लेने लगे थे उसमें गवर्नमेंट ने कहा 10% मेरे भी नाम पे ऐड कर लो। तो ये जो अमाउंट है ये इसमें 10% एडेड है, तो फिर ये 110 है। हाँ भाई, प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स पड़े? 20। खराब कितने? 9000। कॉस्ट कितनी है इनकी? 700। बी अभी इस वक्त हम कस्टमर को कितने का बेचते हैं? 990। और इसमें भी चूंकि सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है,
लेकिन पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि मार्केट में कंपटीशन हो गया है डिफरेंट, और जो कंपेटिटर्स हैं वो अपनी अपनी प्राइसेस 15% सस्ती करने वाले हैं, और हमें लगता है कि हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस द प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बीएनडी ऑफर्ड बाय द कंपेटिटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, कि वो मार्केट में 15% सस्ती अवेलेबल है। ओएल वुड हैव टू एडजस्ट इट्स सेल प्राइसेस अकॉर्डिंगली, तो फिर हमें भी एडजस्ट करनी पड़ेगी ना। तो ये जो अभी इस वक्त टेबल में दी हुई है ये है इस वक्त जो चल रहा, जो अभी साल एंड हुआ है, अभी हमने इतने पे बेचा था, लेकिन हमें इसको अब डाउन करना पड़ जाएगा। तो सेल प्राइस पहले तो टैक्स से आज़ाद करें ना, तो क्या हम अब 900 रुपए का ही बेच पाएंगे? कितना कम करेंगे? 15%, ये ठीक है, 15% कम कर लेंगे, ठीक है। कितना जी? 765। कॉस्ट टू सेल 690। अब देखें नॉर्मल वाले भी एनआरवी डाउन हो गए, तो अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि हमने सिर्फ खराब वालों की एनआरवी कैलकुलेट करनी है तो फिर ये चीज मिस कर जाएंगे। तो नॉर्मल वालों की भी एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर करना है जी। क्या जी? अच्छा कितनी कम कर लें? नहीं पता ना। और वैसे भी हम यहां पर जो कॉस्ट लिख के बैठे हुए हैं ये वो कॉस्ट है जो इनकी हमें पड़ चुकी या आइंदा जिनकी पड़ा करेगी कॉस्ट। जो हमारे पास स्टोर में पड़े हुए यूनिट्स हैं ये उन पे आ चुकी कॉस्ट है या आइंदा जो मटेरियल हुआ करेगा। तो आइंदा सस्ता होता है, होता है, इन पे तो पड़ गई ना इतनी कॉस्ट, तो कॉस्ट तो यही है जी। लेकिन लिखा है ना कि इसको करने पड़ेगा, लिखा तो है सवाल में यार, लिखा हुआ है ना ओएल वुड हैव टू एडजस्ट इट्स सेल प्राइस अकॉर्डिंगली, लिखा तो हुआ है। अगर फुल स्टॉप लग के यहां बात खत्म हो जाती तो हम ठीक है वही वाली यूज कर लेते, लेकिन जब वो कह रहा है कि एडजस्ट करनी है तो फिर करनी है। नॉर्मल विदाउट रिपेयर, अच्छा जो विदाउट रिपेयर है इसके बारे में कहा हुआ है कि 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस, 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस। 60% किसका रखूं, 765 का या 900 का? 900। अच्छा ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना इसके दो मतलब हो सकते हैं, क्योंकि उसने वर्ड करंट साथ लिखा है और आप करंट वाली फिगर देखेंगे वर्ड करंट वाला, तो तीसरे बुलेट पॉइंट में अगेन करंट रिटेल प्राइस का वर्ड यूज्ड है। देखें तीसरे बुलेट पॉइंट में कहा है कि ओएल की जो करंट रिटेल प्राइस है उससे 15% सस्ता, तो करंट रिटेल प्राइस इसमें किसको कहा गया तीसरे बुलेट पॉइंट में? 900 को। तो फिर सेकंड बुलेट पॉइंट में करंट रिटेल प्राइस किसको कहा गया होगा? 900 को। तो हमें 60% 900 का ही लेना चाहिए, लेकिन इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि हमने प्राइस कम कर ही लेनी है तो फिर वो भी रिटेल प्राइस ही बन जाएगी, तो 765 को भी लिया जा सकता है। दोनों बातें सही हैं। अब जिस पॉइंट में जहां पर आ जाए ना एम्बिग्विटी, तो आप सवाल में नोट दिया करें। आप अब जैसे मैं 900 रुपए अगर कह रहा हूं तो क्या जस्टिफिकेशन है इसकी कि सवाल में करंट रिटेल प्राइस थर्ड बुलेट पॉइंट में इस 900 को ही कहा गया था, तो हम 900 का ही 60% लेने लगे। अगर आप 765 का 60% लेना चाहते हैं तो भी आप कह दें कि हम चूंकि रिटेल प्राइस को एडजस्ट ही कर लेंगे तो इसलिए हम 765 का 60% लेने लगे। दोनों बातें सही हैं। मुझे पर्सनली ज्यादा बेहतर 900 लग रहा है क्योंकि करंट रिटेल प्राइस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो मुझे ज्यादा बेहतर 900 लग रहा है। हो सकता है कि आपके जब सॉल्यूशन आए तो उसने 900 के ऊपर परसेंटेज लिए, हो सकता है 765 पे लिए। दोनों बातें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, लेकिन जब भी एम्बिग्विटी आए तो उसके बारे में नोट लिखना चाहिए। अच्छा इसमें एक और तसल्ली वाली बात आपको बताऊं, शायद मैंने पहले कभी बताई है कि नहीं बताई है, ये जो आपके पेपर की मार्किंग कर रहे होंगे ना ये कंप्यूटर मार्किंग नहीं कर रहा होगा, ये AFC नहीं है कि जो आंसर आपके आंसर शीट में लिखा गया बस वही उनके रिकॉर्ड में है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे नहीं तो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खास तौर पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होता है
इसके सवाल बनाते हुए कुछ वर्डिंग्स ऐसी एग्जामिनर यूज कर लेता है कि एग्जामिनर ने तो अपने जहन में शायद 900 रुपए रख के ही अंग्रेजी लिखी हो, या शायद एग्जामिनर ने अपने जहन में ये 765 को ही रखा हो तो अंग्रेजी लिखी हो, लेकिन ये तो वो सोच के अंग्रेजी लिख रहा था। हो सकता है जब कोई और उसकी अंग्रेजी पढ़े तो उसका दूसरा मतलब ही निकलता हो। तो स्टूडेंट्स जब मल्टीपल किस्म के आंसर्स करते हैं और जब फाइनली पेपर्स चेक हो रहे होते हैं तो ये चेकिंग की टीम में डिस्कशन होती है और अल्टरनेटिव सामने आते हैं, और अगर उन अल्टरनेटिव में वाकई दम होता है कि हाँ क्वेश्चन में इस तरह की बात लिखी थी उसका ये मतलब भी बनता है तो उन अल्टरनेटिव को भी सही माना जाता है। हाँ वेबसाइट पे बस वो कोई एक सोल्यूशन अपलोड कर देते हैं बजाय इसके कि चार चार अपलोड करें। ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, यानी ऑफिशियल बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने भी परमार्क कर रहा होता टीचर्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ऑफिशियल बात बता रहा हूँ कि एक ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं होता। दरमियान में कुछ अटैम्प्ट ऐसी आई थी उसमें ना आईकैप जो सोल्यूशन अपलोड करता था उन्होंने उसके ऊपर नोट लिखा था बाकायदा कि ये सिर्फ एक सोल्यूशन बच्चों के लिए दिया गया है, अल्टरनेटिव भी एक्सेप्टेबल हुए हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि सर हम क्या करें 900 करें कि 765 करें, दोनों सही हैं, दोनों को सही माना जाएगा। तो जहां भी कहीं सवाल में कुछ एम्बिग्विटी हो आप नोट लिखें, जो करने चाह रहे हैं ये ना कहें कि मैं ये कर रहा हूं, बताएं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर आपकी बात जस्टिफाइड होगी तो बिल्कुल सही माना जाएगा। कल को वेबसाइट पर जो सोल्यूशन अपलोड होगा अगर वो आपके किए से डिफरेंट भी होगा तो वो एक है। अब अगर आईकैप चार चार सोल्यूशन अपलोड करना शुरू कर दे तो उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो सोल्यूशन आईकैप की वेबसाइट पर अपलोड होता है ये परफेक्टली ठीक नहीं होता है, इसमें अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो 900 कर लें या 765 कर लें, मुझे पर्सनली ज्यादा बेहतर 900 लग रहा है। जिसको 765 ठीक लग रहा है वो 765 कर लें, 765 भी हो सकता है। जी क्या जी, अगर करंट का वर्ड ना लिखा होता ना तो मैं यकीनन 765 लेता। अगर लिखा होता ना 60% ऑफ रिटेल प्राइस तो फिर तो हमने इसकी रिटेल प्राइस 765 का ही देनी है, तो फिर हम 765 का ही 60% लिखते, क्योंकि वर्ड करंट साथ लिखा हुआ है और करंट रिटेल प्राइस सेम तीन वर्ड्स नीचे बुलेट पॉइंट में भी लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इसको 900 को ज्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर करंट का वर्ड ना होता तो यकीनन 765 के ऊपर मैं 60% लगाता। ओके तो 900 पे हम लगा देते हैं 60%। 900 क्या, 900 कहां से आ गया? ये 900 है इनटू 60% 540। और आप लोग जब ये सोल्यूशन नोट कर रहे हैं तो आप ये बात लिखें कि इसमें अल्टरनेटिवली 765 पे भी 60% लगाया जा सकता था। ये हो गई एनआरवी इस रस्ते से, और अगर रिपेयर करके बेचना है तो 765 75 और 320 370 370 जी 900 भी किया है। नहीं नहीं, जब ठीक करके बेचेंगे तो फिर 900 का थोड़ी बेच लेंगे, जब ठीक करके बेचेंगे तो फिर तो ये हो गया ना, इन कस्टमर्स की मार्केट और है, ये कबाड़ियां और है। डिफेक्टिव यूनिट्स हम नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं बेच रहे, इसकी कोई और दुकान होगी, ये तो मार्केट में हमारे कंपेटिटर्स आने की वजह से हमें प्राइस कम करनी पड़ रही है। कबाड़िया के मार्केट में भी वो कंपेटिटर थोड़ी बैठे होंगे। देखिए कोई चीज अगर वैसे नॉर्मल मार्केट में बेचनी है तो वो मार्केट कस्टमर्स मार्केट के डिमांड सप्लाई डिफरेंट है, रद्दी बेचने की मार्केट डिफरेंट है। रिपेयर करके क्या करेंगे, रिपेयर करके चीज पूरी ठीक कर देंगे ना, तो ठीक होके कितने की बिकेगी, जितने की ठीक चीज ने बिकना है। यहां पर 765 ही आएगा, क्यों क्यों 765 आएगा, क्योंकि जब इसको हम रीवर्क करके ठीक कर लेंगे तो फिर नॉर्मल लोगों को जाके बेचेंगे ना, तो वो तो वही वाली प्राइस लगेगी जो अभी अभी नॉर्मल यूनिट्स के लिए ली है, तो ये 765 ही होगा। अगर किसी के जमीर को बोझ लग रहा है तो यहां 765 कर ले, जो 900 में मुतमईन है 900 कर ले, 765 करना है 765 कर ले, दोनों सही होने चाहिए, है जी। लेकिन ये सोल्यूशन नोट करते हुए लिखें कि सर ने अल्टरनेटिवली 765 पे भी कहा था कि ये भी चल जाएगा, सिर्फ करंट वर्ड की वजह से मैं इसको 900 कर रहा हूं। ये हो गया प्रॉब्लम बी। ये क्या बना 540 540। ये क्यों किया, ये पूछ रहे हैं 990 में से 10% निकाल देते, ये सही नहीं है ना, परसेंटेजेस बताई थी,
ये 100 नहीं है 990, ये 110 है। 990 100 नहीं है, ये 110 है। 990 में 10% ऐड हो चुके झुकने के बाद 990 है। क्या 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 जैसे आप बताएं क्या किसी और तरीके से इसमें मजीद ऐड कर दूं 10% बताएं क्या करूं 10% किसका बस ये अच्छा मैंने ना एक लेक्चर में काफी सारा टाइम इस बात पे लगाया था कि परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए क्या 100 है और क्या 100 नहीं है। मुझे लगता यह है कि ये पहले 6 लेक्चर्स के अंदर अंदर हो गई थी बात। अगर किसी को पता है तो लेक्चर नंबर अगर बता दें तो कुछ लेक्चर 5 में जिन लोगों को ये परसेंटेज में मसला है ना, पहले 6 लेक्चर जो है ना वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हुए थे। तो आप लेक्चर 5 जाके यूट्यूब पे दोबारा देखें और इस चीज़ को दोबारा सुन लें। इस पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया था। ये 990 100 नहीं है, ये 110 है जी। बुलेट पॉइंट 3 देखो, बुलेट पॉइंट 3 के अंदर 15% डिस्काउंट वाली लाइन पड़े, क्या लिखा हुआ? आगे बढ़ो, 15% के आगे बढ़ो ना। डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ ऑयल्स करंट रिटेल प्राइस। तो ये 15% हमने किसका लिया है? 900 का। तो हमने फिर करंट रिटेल प्राइस किसको कहा? 900 को कहा या 765 को कहा? 900 को कहा ना। बुलेट पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है? 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस। तो हमने करंट रिटेल प्राइस 900 रुपए को कहा हुआ है, इसलिए 900 लिया है। परसेंटेजेस वाली बात मैंने लेक्चर 5 में बताई थी, जिनको परेशानी है वो लेक्चर 5 सुन लीजिएगा। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी डन। यार ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है, वो तो रहा है मुश्किल नहीं। प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी यूनिट्स कितने हैं? इनमें कोई खराब है तो बस ये सब ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है इनकी? 900। अच्छा नहीं, सही नहीं है ना, क्लोजिंग 5000 नहीं है, ये तो गलत है ना। बुलेट पॉइंट नंबर 1, फिजिकल काउंट किए तो पता चला कि ये जो स्टॉक हमें नजर आ रहा है 900 का मसला है। अच्छा 900 का क्या मसला है? हमने जब सेल की थी तो किए 5600 थे, लेकिन रिकॉर्ड उनको 6500 कर लिया था। अगर कोई स्टूडेंट दूसरा सेंटेंस नहीं पढ़ेगा ना तो वो 900 को समझेगा, अच्छा 900 जो है ना वो गायब है। 900 गायब नहीं है, 900 फालतू पड़े हुए हैं। नहीं yes, हमारे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि स्टॉक 5000 यूनिट से, जब फिजिकल काउंट किया तो 900 गायब थे, 900 मजीद पड़े हुए थे। ये कैसे पता चल रहा है? ये ऐसे पता चल रहा है कि ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड के असल में 5600 बेचे थे। इट वॉज फाउंड दैट 5600 यूनिट सप्लाई टू अ कस्टमर वर एरोनियसली गलती से एरोनियसली रिकॉर्डेड एज 6500 के। जब हमने उसको अपने टी अकाउंट्स में एंट्रीज में स्टोर कार्ड में रिकॉर्ड किया तो वो 5600 की बजाय 6500 कर लिया। तो जब ज्यादा आउट शो कर दिया तो बैलेंस कम आ गया ना, जबकि असल में ज्यादा पड़ा हुआ था। तो सही बैलेंस 5900 है।
है जी, माइनस कर दूं। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। स्टोर कार्ड बना हुआ था और बैलेंस आ रहा था 5,000। हमें असल में 5,600 लेस करने चाहिए थे, हमने ज्यादा लेस कर दिए, तो ये कम नहीं आ गया? तो जो 5,000 आया हुआ है ये अभी कम है, सही कितना है? 900 और एनआरवी निकाल लेते हैं। बुलेट पॉइंट 3, बुलेट पॉइंट 3 ये सी के लिए नहीं है, तो पीछे सिर्फ वही जो अभी नॉर्मल यूनिट्स हैं उन्हीं की प्राइस, तो सेल प्राइस जो दी हुई है कितनी आ रही है? रिटेल प्राइस 1,300, 100 बाय 110, 1,200। कॉस्ट टू सेल, हाँ जी, तो उनकी कॉस्ट ही कम है। प्रोडक्ट सी डन, प्रोडक्ट डी नोटेड, प्रोडक्ट डी। डी के कितने यूनिट्स पड़े में? इनमें कोई डिफेक्टिव नहीं है। प्रोडक्ट डी के स्टॉक में शामिल है कितने बोले? 8,000 और कॉस्ट इनकी 1,275 और इनकी रिटेल प्राइस 1,900 और इसमें भी वही बी वाला मसला है कि कंपैरेटर्स के प्राइसेस चेंज करने की वजह से हमें इसको 20% सस्ता करना पड़ जाएगा इनटू 0.8। कितना बन गया? 1,440 कॉस्ट टू सेल, 110 1,300, फिर भी कॉस्ट ही लोअर। ये हो गई सारी मेहनत, अब रिक्वायरमेंट 1 और 2 का आंसर बनाता हूं। जी जी, कहाँ करूँ करेक्ट? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्यों नहीं की? करने लगा नहीं। अच्छा, 900 वाली बात दोबारा सुन ले, अभी भी शायद सही समझा नहीं सका मैं ऐसी खुद से फिगर्स बना के ना। ओपनिंग बैलेंस था 6,000, परचेज किया बताता हूँ अभी, सेल किया
5600, हाँ ये आ गया क्लोजिंग 6500, 5000, परचेजेस में क्या रखूँ कि ये आ जाए, दिस प्लस दिस क्या करूँ कि माइनस ये हो जाए 55. जिनको 900 वाला पॉइंट समझ नहीं आया दोबारा देखें, ये मैंने खुद से ऐसी लिखी है वैल्यूज। लेट सपोज के साल के महीने के शुरू में ओपनिंग स्टॉक ये था, इतने और खरीदे, इतने बेच दिए, तो हमारे इन्वेंटरी कार्ड के मुताबिक स्टॉक इतना बच गया 5000। ये अभी इस वक्त रिकॉर्डेड ये है, लेकिन गलती ये पता चली कि ये जो 6500 लेस कर दिया था असल में वो 5600 था जो लेस करना चाहिए था। तो अगर वो सही वाला रिकॉर्ड किया होता तो आज स्टॉक 5000 की बजाय 5900 आ रहा होता। तो ये अभी इस वक्त गिवन है, हमें इसको सही करने के लिए 900 ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो मैंने 900 ऐड कर दिया था। सही क्लोजिंग स्टॉक 5900 है, 5000 गलत था। रिक्वायरमेंट बी का पॉइंट वन, एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। हाँ जी बताएं, प्रोडक्ट ए बी सी डी चारों में देख के बताएं, ए से शुरू करते हैं। ए के हवाले से कोई एडजस्टमेंट? अच्छा, ए से रिलेटेड कोई रिकॉर्डिंग एरर तो नहीं है? नहीं। तो ए से रिलेटेड अभी इस वक्त सारी इन्वेंट्री कॉस्ट पर रिकॉर्डेड है। नॉर्मल ए कॉस्ट कम है कि एनआरवी कम है? नॉर्मल ए तो वो भी ठीक है, डिफेक्टिव ए एनआरवी कम है, तो हमें उसको एनआरवी राइट डाउन की एंट्री करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर सकते हैं, ये भी सही है। पीएनएल कर सकते हैं, ये भी सही है। और फिनिश गुड्स इन्वेंटरी हो जाएगी क्रेडिट। प्रोडक्ट अलग है तो इन्वेंट्री अलग अलग रखी होगी ना, तो एक ही इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। किस अमाउंट से? कितने हैं डिफेक्टिव यूनिट्स और कितना राइट डाउन करना है? प्रोडक्ट ए की कॉस्ट 800 है शायद, एनआरवी 700 है, तो हमने 100 राइट डाउन करना है, तो ये उस 100 की एंट्री बन जाएगी। कितनी जी? 240। ये प्रोडक्ट ए की एनआरवी राइट डाउन। प्रोडक्ट बी में कुछ है करने वाला? उसमें भी यही वाला काम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कर लें वो भी ठीक है, पीएनएल कर लें वो भी ठीक है। इसमें क्या करना है? डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं? 4000। इसमें नॉर्मल की भी काम है, तो नॉर्मल यूनिट्स कितने हैं, उनमें कितना कम करना है? 10 रुपए। डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं? 4000। उनमें कितना कम करना है? 168। क्या जी? क्या खर्चे कितने? एनआरवी राइट डाउन कर रहा हूं ना, वो डिफेक्टिव उठा के खबाड़िया को तो नहीं फेंक रहे, तो एनआरवी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं। जी 1। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के यूनिट्स की कॉस्ट जो नॉर्मल वाले थे उनकी भी एनआरवी कॉस्ट से कम थी, वो 10 रुपए कम थी, उनपे 10 रुपए का राइट डाउन। और जो डिफेक्टिव वाले हैं उनकी एनआरवी कॉस्ट से 160 रुपए कम है, तो उस पे 160 रुपए का राइट डाउन। कितना हो गया? 850। प्रोडक्ट बी वाली वर्किंग देखें, नॉर्मल यूनिट्स कितने हैं? 21000। नॉर्मल यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 700। प्रोडक्ट बी के नॉर्मल यूनिट थे 21000 और इनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या थी? 700। एनआरवी क्या थी? 69।
तो इन पे 10 रुपए का राइट डाउन है, और डिफेक्टिव कितने थे? 4000। इनकी कॉस्ट क्या थी? 700। एनआरवी क्या थी? 160 रुपए का राइट डाउन। तो 4000 पे 160 और 21000 पे 10 का राइट डाउन। ये अमाउंट ठीक है थी बल्कि हायर लेना है ना। अगर हमारे पास एक से ज्यादा रस्ते हैं बेचने के तो हम उनमें से जो हाईएस्ट एनआरवी होती है वो लेते हैं। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और डी में एनआरवी की तो एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो एक एरर ठीक करना है। एरर क्या हुआ था कि हमने 900 यूनिट्स ज्यादा बेचना रिकॉर्ड कर लिए थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट ज्यादा से कर ली थी। रिवर्स कर देते हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वापस डेबिट कर देते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कर देते हैं। 900 यूनिट्स और कितने का है एक? 900 का, 900 का 8,10,000। और प्रोडक्ट डी की कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। ये हो गई जी एंट्रीज। एंट्रीज ओके और रिक्वायरमेंट टू बन जाएगी। रिक्वायरमेंट टू वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सही। ए नॉर्मल डिफेक्टिव, बी नॉर्मल डिफेक्टिव, सी डी। ए के नॉर्मल कितने हैं? 21,000 नहीं 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 12। और इनकी कॉस्ट लोअर थी शायद 800 और डिफेक्टिव 2400 और इनकी एनआरवी लोअर थी 720। बी के नॉर्मल 21,000 और इनकी एनआरवी लोअर थी 690। डिफेक्टिव 4000 और इनकी भी एनआरवी सी 5900 और इनकी कॉस्ट लोअर है डी 8000 और इनकी भी कॉस्ट ही लोअर है। ये आंसर आ जाएगा, ये तो कर ही लेंगे। ये हो गए जी कितने नंबर? 10 और 3, 13 मेरे हो गए। अच्छा अब आपने करना ये है कि एक सवाल है ऑटम 12 उस पर आइए, और उसका ना मैंने आपको सलूशन दिया। वैसे तो आई कैप का ठीक है, मैंने ऐसी जरा वर्किंग दिल करा था देने का, क्योंकि जो उसकी पार्ट ए चीज़ है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से मैंने सॉल्व किया, इसलिए सलूशन दिया है। ऑटम 12 पे आइए, ऑटम 12 पास पेपर में ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। ऑटम 12 क्वेश्चन 4 पे आइए। हाँ जी पहुंचे मेहनती लिमिटेड। इस सवाल की ना रिक्वायरमेंट ए ये मैं कल करूंगा, कल इंशाल्लाह ये आधा को लेक्चर करके तो ये खत्म कर दूंगा, फिर ओवरहेड शुरू कराऊंगा। आपने ना इसका पार्ट बी करना है, इस मेहनती लिमिट को समझ लेना बात। इसमें दो रॉ मटेरियल्स हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, और इनमें भी कुछ नॉर्मल है कुछ डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है केमिकल्स है ना, तो उनमें कुछ खराबी होगी तो वो कंटेमिनेटेड हो गए, तो ये वो डिफेक्टिव वाली चीज है। तो इसकी रिक्वायरमेंट बी में पूछा हुआ है कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट बता दें
और जो कंटेमिनेटेड है उनकी भी, इसको वैल्यू ही समझें, बाकी आप कल करके आएंगे तो बताऊंगा, इसको आप वैल्यू समझें। मेहनती लिमिटेड ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 4, दोनों केमिकल्स, दो केमिकल्स हैं इसमें, आपको उनकी ट्रांजेक्शन बताई हुई हैं डेट वाइज, नीचे अदर इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ें, और मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि आप इसका पार्ट बी करके आ रहे हैं, पार्ट ए मैं कल कराऊंगा, पार्ट बी कर रहे हैं जिसमें आपने वेटेड एवरेज मेथड, इन्वेंट्री कार्ड जो वर्किंग करते हैं वो करेंगे, और बी और जी दोनों के अलग अलग कार्ड बन रहे होंगे, बी अलग केमिकल है, जी अलग केमिकल है, और आपने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के रहने, सोल्यूशन मैंने आपको इसका भी पेज दे दिया है ताकि आप चेक कर सकें जो किया है सही किया है, ठीक है, ये काम कल करके आ रहे हैं आप, ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।